वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज चैनल एग्जाम पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट डिस्कस करने वाले हैं। आपने न्यूज में तो बहुत सुन लिया, बट अब इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ग्लेशियर बर्स्ट नेचर्स बुलडोजर एक इंसिडेंट हुआ है हमारा उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उसको हम डिटेल में यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ेंगे। साथ साथ जो वन डे एग्जाम्स हैं आपके एसएससी और अदर एग्जाम्स, उनमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर किसी भी एग्जाम आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल, तो एग्जामपुर का ऐप जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत बेहतरीन टीम है, बहुत बेहतरीन क्लासेस हो रही हैं, डे बाय डे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में ज्वाइन कर रहे हैं। आप अगर ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को एग्जामपुर ऐप पे, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है आपके अपकमिंग पीसीएस और आईएएस एग्जाम में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एग्जामपुर ऐप पे एक बार जरूर जाइए, देखिए कोर्सेज को, एक दो डेमो लीजिए और फिर कोर्सेज ज्वाइन जरूर कीजिए। उसके बाद चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं, बात करते ग्लेशियर बर्स्ट की। हमारा ग्लेशियर बर्स्ट, उससे पहले हम जान लेते हैं ये क्या होता है। हमारा बहुत बड़ा एक आइस का ऐसे शील्ड होती है, आइस का ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा होगा जो नीचे जब टूट जाता है, तो नीचे की जो आपकी जो पहाड़ है या बर्फ का जमा हुआ पार्ट है, वो धंस के नीचे आ जाता है और उससे एक तरह से डल्ज आपका क्रिएट हो जाएगा। आपकी जो नीचे जो नदी है, उसमें भी फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही अब अलकनंदा में भी हुआ है, जो अलकनंदा रिवर है हमारे उत्तराखंड में। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम से आपको मिलवाना चाहती हूँ कि जो नेचर्स बुलडोजर, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमारी सोल्जर्स है, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, हमारे बॉर्डर्स पे बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस देते हैं हमको, हमारे देश के लिए पूरा दिन रात लगे रहते हैं। उनकी सिचुएशन एक बार इस कंडीशन से हम देख लेते हैं कि जब कोई सोचिए, एक कंडीशन सोचिए आप कि कोई किस कंडीशन में रहता है कि उसको पूरा दिन ऑक्सीजन जो मास्क है वो लगा के रहना पड़ता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता। -70 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, कई बार -40 डिग्री तक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो पर्टिकुलर सोल्जर, उसको सांस लेने में अगर दिक्कत होगी, उसका मेमोरी लॉस होगा, उसको आपकी जो फ्रॉस्ट बाइट की सिचुएशन है, फ्रॉस्ट बाइट होगा, इसमें होगा कि आपका बॉडी नम पड़ जाती है, बॉडी का कोई हिस्सा इस तरह से कोल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है कि कई बार उसको काटना भी पड़ सकता है। स्पेशली जो आपकी फिंगर्स हैं, जो आपके टोज हैं, जो आपके जो हड्डियां हैं, जो आपके ज्वाइंट्स हैं, इनमें ये जो आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से होती है। तो फ्रॉस्ट बाइट जैसी सिचुएशन हमारे सोल्जर्स के को सामना करना पड़ता है। अवलांच, अवलांच मतलब एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ जो गिर जाता है, उसको अवलांच, कई बार आपने हॉलीवुड मूवीज में भी इसको देखा होगा। स्लीपलेस नाइट, क्योंकि इतनी ठंड में नींद नहीं आती है, नींद जो सोल्जर्स हैं उनको कई बार स्लीपलेस नाइट्स भी देखनी पड़ती हैं। इसकी वजह से उनका जो हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एनलार्ज लिवर, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स कई बार काम करने बंद कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक महीने तक उनको बात और नहाने के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं होती हैं। और खाने के लिए अगर खाने की बात करें, तो वहां पे अगर आप कोई भी फूड आपका आइटम होगा, तो उसको इतना हार्ड हो जाता है कि उसको अगर आप हैमर से भी ब्रेक करना चाहेंगे, तो वो ब्रेक नहीं होगा। सो आप उनकी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन में रहते हैं। अगर सपोज एक कोई सोल्जर है, उनकी बॉडी के अंदर कोई पानी का बूंद रह जाता है, कोई पसीना ही आ जाता है अगर कभी किसी समय, तो क्या होगा कि उस बॉडी के अंदर अगर कोई पानी का मतलब सूट के अंदर कुछ पानी रह गया या पसीना आ गया, तो वो जम जाता है और वो बॉडी से इस तरह चिपक जाता है कि उसको बॉडी से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बॉडी फिर उसमें फ्रॉस्ट बाइट की सिचुएशन क्रिएट होने लगती है। तो इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्लेशियर जो हम बोलते हैं, ग्लेशियर का जो सिचुएशन है, वो ये ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर इसको कहते हैं जिसमें सिचुएशन, लाइफ की जो लिविंग कंडीशन इस तरह से हो जाती है। सो आई होप नेचर्स बुलडोजर
क्यों बोलेंगे इसको हम, आप समझ गए हैं। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर एक तरह से एक रिवर होती है जो फ्रोजन हो गई है, एक तरह से कंप्लीटली आप एक रिवर को लीजिए, रिवर को फ्रिज में ले जाइए और जब कंप्लीटली जब वो फ्रोजन हो जाती है तो आप उसको फ्रोजन रिवर बोल सकते हैं ग्लेशियर को। सो ग्लेशियर इज अ लार्ज पेरेनियल एक्युमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन आइस स्नो रॉक सेडिमेंट्स एंड ऑफन लिक्विड वाटर दैट ओरिजिनेट्स ऑन लैंड एंड मूव्स डाउन अ स्लोप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन वेट एंड ग्रेविटी। मतलब आपका जो ग्लेशियर है, कई बार जो पेरेनियल एक्यूमुलेशन हमारा हिमालय पे, आपको पता है पेरेनियल नदियां हैं, तो वहां पे आज से नहीं हजारों हजारों सालों से आपका फ्रॉम लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स वहां से ग्लेशियर जो बर्फ जमी हुई है। अब ड्यू टू हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है यहाँ पे कि हमारा जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे, वैसे इसका 2019 में भी वार्निंग दिया गया था कि ग्लेशियर एक तरह से वहां पे ब्रेक होने वाले हैं, ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं और अब जाके फिर वो बात सच साबित हुई और ये सब हमारा ही, ह्यूमंस का ही किया हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटी का ही परिणाम है कि हमारा जो ग्लेशियर है जो बहुत ही बड़ा बर्फ का पहाड़ होता है वो एक तरह से आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से टूट गया है। तो अब हम जानते हैं कि आपके ग्लेशियर के कितने कितने फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हैं, आप नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताएंगे कि इन पार्ट्स का क्या मीनिंग होता है, क्या क्या इसका जो फीचर्स है, कहाँ कहाँ पाया जाता है ग्लेशियर पे। तो आप प्लीज इसको जरूर कमेंट्स में नीचे लिखिएगा, मोरेंस क्या है, सर क्या है, हॉर्न्स क्या है। वैसे तो मैंने यहाँ मेंशन किया है बट आई होप आपका, आप ज्योग्राफी पढ़ते ही होंगे और ज्योग्राफी जहां तक आपको मैं सजेस्ट करूँ कि आप अगर ज्योग्राफी में थोड़ा सा अभी आप तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस का एग्जाम आप देने वाले हैं, आईएएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज चैनल एग्जाम पे आप हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस भी ले सकते हैं बाय मदन सर, बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, अभी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं आप देख सकते हैं। सो एक बार आप हमारे स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज चैनल पे मदन सर से ज्योग्राफी पढ़ने का जरूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको जितने भी डाउट्स हैं, आप ग्लेशियर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं आप वहां पे अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, आपको इनका आंसर इन सर की क्लास में जरूर मिलेगा। सो आई होप आपको सब समझ आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अवलांच। अब अवलांच क्या होता है, हमारा अवलांच होता है जो बर्फ होती है वो बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, स्नो का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो माउंटेन से नीचे गिरता है, माउंटेन से नीचे बहुत ही तेज स्पीड में नीचे आता है और प्रेशर के साथ आता है और नीचे रास्ते में जो भी कोई टूरिस्ट होता है, कोई गाइड होता है, तो इस तरह की जो इंसानों को भी साथ में या और साथ साथ पहाड़ के कुछ और भी जो हिस्से होते हैं उनको अपने साथ ले जाता है। सो अ पोर्शन जो अभी रीसेंट जो एक्टिविटी हुई है उत्तराखंड में, उसका हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि पोर्शन ऑफ द नंदा देवी ग्लेशियर ब्रोक ऑफ इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑन February 7 ट्रिगरिंग एन अवलांच एंड डेल्यूज इन द अलकनंदा रिवर। तो अभी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में जो ये नंदा देवी ग्लेशियर है ये जो टूटा है ये आपका मेनली इसने अवलांच किया है और डल जलाया है अलकनंदा रिवर में। मतलब अगर अवलांच होता है मतलब बर्फ नीचे आती है धस जाती है तो उससे डल्ज बनता है, मतलब आपका फ्लड का जो सिचुएशन वो क्रिएट होता है आपकी नदी में। तो बीच में अलकनंदा रिवर आती थी। अब थोड़ा सा रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जो यहाँ से आपका जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से आपकी भागीरथी नदी आती है और आपका जो बाकी जो पंचप्रयाग है हमारे उनमें से आपका फिर यहाँ ये अलकनंदा रिवर बनती है और ये भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में तब आपका ये जो गंगा रिवर है ये गंगा रिवर बनती है। तो इस तरह जो आपका गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है ये भी आप ज्योग्राफी में पढ़ ही चुके होंगे। हम देखते हैं अब इसके बाद हमारा जो सिचुएशन हुआ है, हमारा जो उत्तराखंड में ये जो ग्लेशियर ब्रेकिंग का जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने इसके लिए अपनी संवेदना रखी है। साथ में हमारा इमैनुअल मैक्रोन द फ्रेंच प्रेसिडेंट का भी इनमें रिप्लाई आया, इन्होंने इस ट्वीट को ही
अप्लाई किया कि उनका भी जो पूरा दुनिया से जो जितने भी लीडर्स थे सबने हमारे इस सिचुएशन के लिए भी कंडोलेंसेस दिया है। नेक्स्ट हम एक बार उत्तराखंड स्टेट के बारे में जान लेते हैं। स्टेट के उत्तराखंड का क्या स्टेटस है? उत्तराखंड एक्चुअली मेनली दो ज्योग्राफिकल पार्ट में डिवाइड है। इसको जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम गढ़वाल बोलेंगे और नीचे येलो वाले रीजन को हम कुमाऊं डिवीजन बोलेंगे। गढ़वाल रीजन में ही मेनली ये चमोली डिस्ट्रिक्ट आता है। इसी डिस्ट्रिक्ट में अभी ये आपका नंदा देवी का ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर ब्रेक हुआ है और इसको देखते हुए जो आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में रेड अलर्ट आपका जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड जिसके अभी करंट चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है तो इनकी के टेन्योर में अभी इसका पॉपुलेशन है 1.1 करोड़ और इसकी दो कैपिटल है। ऐसे ही इंडिया में कई स्टेट्स हैं जिनकी दो दो कैपिटल हैं। आप ऐसे कौन से स्टेट हैं उनका नाम यहाँ पे जरूर कमेंट्स में लिखिए, तो कमेंट्स आप नीचे जरूर कीजिए। इसके साथ साथ जो विंटर कैपिटल है उत्तराखंड का देहरादून हो जाएगा, समर कैपिटल गैरसन हो जाएगा, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है गैरसन। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इससे जो लॉसेस हुए हैं उन लॉस का हम एक बार देख लेते हैं कि एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट ये बहुत एक्सटेंसिवली डैमेज हुआ है इस वजह से, और इसमें इनके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और करंटली चीफ मिनिस्टर है हमारे उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमने बता दिया आपको। अब देखते हैं तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर के से रिलेटेड जो वाटर का जो प्लांट होता है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए। तो वो ये पावर प्लांट हमारे बनाए गए हैं। इनका एक्चुअली वर्क अभी चल ही रहा था, कंस्ट्रक्शन इनका चल रहा था। 520 मेगावाट का रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। आप समझिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वही बनाए जाते हैं जहां पे रिवर्स आपकी पेरेनियल होंगी, जहां पे रिवर आपकी पेरेनियल होंगी पूरा साल चलती हैं वो जो रिवर्स, उन रिवर्स की वजह से ही वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अच्छे से चलाए जाएंगे। धौली गंगा रिवर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट आपकी उत्तराखंड में ये आता है और इसकी कैपेसिटी 2.5 गीगावाट आपकी पर आर है। ये इलेक्ट्रिसिटी एनुअली आपकी जनरेट करता है, गीगावाट इतनी जनरेट आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपका तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका काम पूरा नहीं हुआ था बट इससे पहले ही इसको डैमेज हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियर बर्स्ट। ये जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है अभी उत्तराखंड में इससे इसको बहुत डैमेज मिला है। इसके साथ साथ एक और हमारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट था जिसमें ऋषि गंगा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलेंगे, इसको 13.2 मेगावाट के लिए डिजाइन किया गया है, इससे इतनी बिजली जनरेट होती है। ये इसका जो रिस्टार्ट हुआ था ये जून 2020, अभी इसको अराउंड 6 मंथ ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये एक बार पहले भी 2016 में डैमेज हो चुका है और उसके साथ साथ लुधियाना बेस्ड कुंदन ग्रुप है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से बिलोंग करता है, ये इसके प्रोडक्शन का इसके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो इस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को भी बहुत नुकसान हुआ है। अब देख लेते हैं कि इंडिया में और कौन कौन से इम्पोर्टेड आपके जो ग्लेशियर है वो देख लेते हैं। हमारे ज्यादातर ग्लेशियर आपको कराकोरम रेंज में मिलेंगे। कराकोरम जो माउंटेन रेंज है ये इंडिया की सबसे वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है, उसमें से आपके बटूरा ग्लेशियर है आपका, ये जम्मू कश्मीर में आता है। आपका खुरदोपिन ग्लेशियर भी है उसी में, हिस्पर ग्लेशियर, बायफो ग्लेशियर, बाल्टोरा बहुत फेमस है, और चोमोलोंगमा ग्लेशियर ये भी जम्मू कश्मीर में है, दायमेर और सियाचिन सबसे फेमस है, इंडिया पाकिस्तान इसके लिए लड़ते रहते हैं। ये सब ग्लेशियर आपके जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ साथ गंगोत्री ग्लेशियर जहां से भागीरथी नदी निकलती है और मिलम साथ साथ पिंडारी जेमू ये सब उत्तरकाशी उत्तराखंड में आते हैं लगभग, और एक सिंगल आपका जेमू ग्लेशियर सिक्किम में आता है। तो ये सब ग्लेशियर हमारे कराकोरम रेंज, हिमालयाज रेंज, आपकी पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड का पार्ट है, ईस्टर्न हिमालय, आपका कंचनजंगा पीक जो आपका
करंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो राहत कार्यों में, जो रिलीफ वर्क है उनके लिए लगे हुए हैं। सो रिलीफ मेजर्स हम अगर देखेंगे तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ITBP कई बार एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत पूछ लिया जाता है कि ITBP कौन सी फोर्स है, ये क्या करती है, कौन सी एक्टिविटी करती है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आपका नाम से ही आप समझ जाते हैं कि जो तिब्बतन, जो तिब्बत का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है इंडिया के साथ, वहां पे ये काम करती है। तो हमारा बॉर्डर पेट्रोलिंग का जो चाइना के साथ अलोंग विद जो बॉर्डर है वहां पे वर्कफोर्स काम करती है। इसके बाद इसको 24 अक्टूबर 1962 में फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में रहेंगे। एक और फोर्स है इसके साथ साथ जिसको हम बोलेंगे NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इस फोर्स को हम बोलेंगे कि ये आपका हर तरह का डिजास्टर होता है, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, सबसे पहले रिस्पांस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ही करता है। इसको स्पेशलाइज्ड फोर्स है ये, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल रिस्पांस टू अ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर, किसी भी तरह का डिजास्टर होता है, ये इनका लोगो है देख सकते हैं आप, और ये उसके लिए सबसे पहले रिस्पांस करता है। इसके चेयरमैन PM रहेंगे। फॉर्म ये इसको 2006 में किया गया था। सो इस तरह से हम अपना पूरा, जिन लोगों को इसमें हार्म हुआ है उनके लिए अपना पूरा उनको कंसोल करते हैं, उनके लिए प्रे करते हैं कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से सिचुएशन नॉर्मल हो जाए उत्तराखंड में फिर से। और इसी के साथ आज का ये वीडियो, आज का इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ग्लेशियर बर्स्ट, नेचर्स बुलडोजर। दिस इज मी निधि सिंह। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।